हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या होगा हमारे साथ। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा एकदम शुरू से लेकर के और आखिरी तक। नहीं तो अगर आप मेरी कहीं पर कोई बात मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि उससे आप जो है आधे अधूरे ज्ञान के साथ रह जाएं। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा मेरी बातों को। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि एक दो महीने तक तो बैंक इसके बारे में कोई खोज खबर आपसे ना करे। अब क्यों नहीं करेगा बैंक? तो बैंक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बैंक भी पहले शुरू शुरू में आपको मोहलत देता है, मतलब आपको टाइम देता है। और ये टाइम क्यों देता है आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप ये बताने में असफल रहें तो मैं आपको बता दूं, बैंक यहाँ पे आपको कोई टाइम वगैरह नहीं देता है। बैंक बल्कि आपको इसलिए याद नहीं दिलाता है ताकि आपका जो बकाया है या फिर आपका जो ओवर ड्यू है, जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया है, वो बकाया रहे। तो उससे क्या होगा कि उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी बढ़ेगा और फिर इंटरेस्ट चार्ज भी बढ़ेगा, तो चार्जेस बढ़ जाएंगे। और जितने दिनों तक बैंक आपको इसके बारे में ना बताए उतने दिनों तक अगर आप इग्नोर करते रहे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को, तो ऐसे में जो चार्जेस होंगे वो बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए अगर कोई बैंक आपको एक महीने के अंदर ही अंदर रिमाइंड करा दे, आपको याद दिला दे कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं हुआ है और आपको पेमेंट करना है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो बैंक बहुत ही ज़्यादा शरीफ बैंक है और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बैंक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर बैंक शुरू में तो अवॉइड करेंगे, मतलब आपको जो है इसके बारे में ना तो बताएंगे और ना तो आपसे पूछेंगे कि आपने अब तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट क्यों नहीं किया है शुरू में, मतलब एक दो तीन महीने तक हो सकता है कि ऐसा चले। और हो सकता है कि इसकी वजह से शुरू शुरू में आपको भी खुशी हो कि बैंक तो आपसे कोई पूछताछ ही नहीं कर रहा है, आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया है फिर भी आपसे बैंक पूछ नहीं रहा है कि क्यों नहीं पे किया है, बैंक कह भी नहीं रहा है, तो आप शुरू में तो खुशी खूब इंजॉय करेंगे लेकिन बाद में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। और ये मैं बातें आपको ऐसे ही हवा हवाई नहीं बता रहा हूँ कि जो मेरे मन में आया वो मैं बोलता जा रहा हूँ, बल्कि ऐसा मेरे एक रिलेटिव के साथ में हुआ है तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर बैंक का सिस्टम अलग होता है, हर बैंक के रूल्स अलग होते हैं, हर बैंक अपनी तरह से काम करता है। और मेरे रिलेटिव के केस में SBI का क्रेडिट कार्ड था और SBI कार्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि SBI कार्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनका मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनके क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं। तो शुरू शुरू में आप ये मान करके चलिए कि दो तीन महीने तक तो बैंक की तरफ से हो सकता है कि आपको कोई कॉल ना आए, बैंक आपको इसके बारे में याद ना दिलाए या फिर आपसे पूछताछ ना करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ बैंक ऐसे हों जो कि आपको याद दिलाएँ या फिर आपसे पूछताछ करें कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मिनिमम अमाउंट का ही पेमेंट कर दीजिए ताकि आपसे चार्ज कम लिया जाए, ताकि आप चार्जेस से बच सकें और आपका सिविल स्कोर भी खराब होने से बच सके। तो वो समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा बैंक करता है तो उस बैंक की शराफत है और उस बैंक की ईमानदारी है कि आपको पहले से वो याद दिला रहे हैं। और अगर याद नहीं दिला रहे हैं तो समझ लीजिए कि बैंक का यहाँ पे कुछ और ही प्लान है। प्लान का क्या मतलब? मतलब बैंक भी चाहते हैं कि उनको अच्छा खासा चार्ज मिले, उनको जो है फ़ायदा पहुँचे, तभी तो बैंक जो है चलेंगे। मतलब इन चार्जेस से भी तो बैंकों की कमाई होती है। तो शुरू के दो तीन महीने तक तो समझ लीजिए कि आपको बैंक की तरफ से हो सकता है कि कॉल ना आए ये पूछताछ करने के लिए कि आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है। बट ये भी हो सकता है कि अगर आपका बैंक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा बैंक हो तो वो आपको याद दिला दे पहले ही। बट अगर आपको याद नहीं दिलाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ने आपको छूट दे दी है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, भूल जाएंगे और बैंक भी भूल जाएगा इसको, तो ऐसा आप मत सोचिएगा। और दूसरे ये कि आप वहाँ से फिर से क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल करिएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जब बैंक ने आपसे एक दो तीन महीनों तक कुछ भी पूछताछ नहीं की, बैंक ने कोई खोज खबर नहीं ली, तो अब इसके बाद होगा ये कि बैंक अब आपसे खोज खबर लेगा, अब आपसे पूछताछ करेगा, बैंक कॉन्टेक्ट करेगा, बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे कि आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है और क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है और दो तीन महीने हो गए हैं, तो इसलिए उस पर लेट पेमेंट चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज जुड़ गया है।
और अगर आप आगे चाहते हैं कि और ज़्यादा चार्जेस उस पर ना जुड़े, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बकाया है, जितना भी बिल है, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, पूरा का पूरा पेमेंट करके इसको ख़त्म कर लीजिए। मतलब कि जो भी बकाया है उसको साफ कर लीजिए, ताकि फर्दर आपसे आगे चल करके कोई चार्ज ना लिया जाए, कोई लेट पेमेंट चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज आपको ना देना पड़े। तो आपकी भलाई के लिए प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करेगा बैंक कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पे कर दीजिए। तो शुरू शुरू में बैंक आपसे बहुत ही हम्बली और बहुत ही काइंडली रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिल पे कर दीजिए, ताकि आगे चल करके आपसे कोई चार्ज ना लिया जाए और आप चार्जेस से बच सकें, इसमें आपकी ही भलाई होगी। लेकिन अगर आप फिर भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट बकाया रखते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर बैंक आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज़ अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दीजिए। अगर आपसे पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो जितना आपसे पेमेंट हो रहा है आप उतना ही पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो चार्जेस कम हो सके, उन चार्जेस में कमी आए, आपको कम चार्ज देना पड़े, ताकि आगे चल करके आपको भारी ना लगे जब आपको इकट्ठा पेमेंट करना हो। तो आप प्लीज़ इसलिए जितना आपके पास हो या जितना आपसे हो सके उतना ही पेमेंट कर दीजिए। बट फिर भी अगर आप इसको भी इग्नोर करेंगे, ये भी अवॉइड करेंगे और आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर बैंक आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते रहिए, हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करिए, ताकि आपको कम से कम चार्ज देना पड़े और धीरे धीरे करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को चुका सकें और आपका सिबिल स्कोर भी ना खराब हो। तो बैंक आपसे जो है शुरू शुरू में, मान लीजिए कि अब ये 3 महीने गुजर गए, तो 4 या 5 या 6 महीने तक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करेगा, बहुत ही आपसे अच्छे से बात करेगा, ताकि आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी पेमेंट नहीं करते हैं, 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू का भी पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ बात ही छोड़ दीजिए टोटल अमाउंट ड्यू की, तो ऐसे में तब बैंक आपसे थोड़ा सा रूडली बात करेगा। अब 6 महीने के बाद जो है बैंक आपसे थोड़ा रूडली बात करेगा कि आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड कर दिया जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आप पूरा का पूरा बकाया ना चुका लें। जितना क्रेडिट कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, या फिर हम ये कहें कि ओवर ड्यू अमाउंट है, जो बकाया बिल है जिसका आपने पेमेंट नहीं किया है ड्यू डेट के अंदर, आप पूरे के पूरे बिल का पेमेंट जब तक नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक रहेगा। और इन केस अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं, तो आपको बाद में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक से कि आप प्लीज़ हमारा क्रेडिट कार्ड अनब्लॉक करिए। तो 6 महीने के बाद तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर ये देखने को मिलता है बैंक को कि आप बिल्कुल पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप ढिटाई दिखा रहे हैं और आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना चाहते, ना मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना चाहते हैं, ना टोटल अमाउंट ड्यू पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बैंक की तरफ से आपको कॉल्स आएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप प्लीज़ क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दीजिए, और हो सकता है कि आपको बार बार फिर कॉल किया जाए, अलग अलग नंबर से कॉल किया जाए, अलग अलग टाइम पे कॉल किया जाए, और अब आप यहाँ पे परेशान होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बार कॉल आता है, 2 बार कॉल आता है, 3 बार कॉल आता है, तो हम जो है सह ले जाते हैं। लेकिन जब बार बार अलग अलग नंबर से अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे आपको कॉल्स करें और आपको परेशान करें और आपसे पैसे मांगें, तो आप इरिटेट हो ही जाएंगे एक तरह से। जब तक कि आप मेंटली एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तब तक आपको परेशान किया जाएगा, तब तक आपको कॉल्स आएंगी अलग अलग नंबर से। और फिर भी अगर आप वहाँ पे ढिटाई दिखाते हैं, ढीठ बने रहते हैं और पेमेंट करने को नहीं कहते हैं, इनकार करते हैं, तब हो सकता है कि आपको थोड़ा धमकाया जाए, डराया जाए कि आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर FIR करी जाएगी और पुलिस एक्शन होगा, बहुत तरह की अलग अलग तरह की हो सकता है कि आपको धमकियां दी जाए। और बैंक ऐसा कर भी सकता है, मतलब आपको लीगली दिक्कत में डाल सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन बैंक ऐसा करते नहीं है, क्योंकि अगर करने पे आ गए तो वो इसी में बिजी रहेंगे, कितना वो केस संभालेंगे। तो बैंक उसके बाद डराएगा, धमकाएगा, या फिर आप कहिए कि वॉर्न करेगा,
लीगल एक्शन की वार्निंग देगा कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, केस हो जाएगा, FIR आपके ऊपर हो जाएगी, तो हो सकता है कि वहाँ पे तब जाकर के आपको डर महसूस हो, आपको डर लगे, आपको घबराहट हो, तो अगर आपको पेमेंट करना होगा तो वहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ढीठ होते हैं, जो कि कहते हैं कि हम सब देख लेंगे, जो आपको करना हो आप करिए। तो अगर कोई डरने वाला व्यक्ति होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटल टॉर्चर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो तो मेरे ख्याल से सरेंडर कर देगा, मतलब जितना हो सकेगा वो पेमेंट करके निकल जाएगा, या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू अमाउंट है, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी क्रेडिट कार्ड का बकाया है वो पेमेंट कर देगा, भुगतान उसका कर देगा। लेकिन कुछ ढीठ लोग भी होते हैं, तो अगर कोई ढीठ होगा तो वो कहेगा कि बैंक से जो आपको करना हो आप कर लीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। देखिए बैंक भी जल्दी से केस नहीं करते हैं, बैंक केस करते हैं, ऐसा नहीं कि केस नहीं करते, लेकिन जल्दी केस नहीं करते हैं, क्योंकि वो कितना केस संभालेंगे। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी जो है केस पेंडिंग में रहता चलता है, और फैसले होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं, आपको पता ही है कि सालों लग जाते हैं, तो वो कितना केस संभालेंगे। अगर छोटा मोटा अमाउंट रहा तो उसको तो बैंक चाहेगा किसी भी तरह से कस्टमर से सेटलमेंट कर ले और जो है बस फुर्सत कर ले, उस केस को जो है ख़त्म कर दे। केस मीन्स कि डिस्प्यूट जो बैंक और कस्टमर के बीच में है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर ले, जो क्रेडिट कार्ड है उसको बंद कर दे, जितना भी हो सके उतने अमाउंट से वो सेटलमेंट करा ले कस्टमर, और फिर जो है अपना मामला वो साफ कर ले कस्टमर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा ढीठ हो कि वो हर मामला झेलने को तैयार हो, उसके ऊपर किसी भी तरह का केस कर दिया जाए वो भी झेल जाए, या फिर उसको किसी भी तरह से मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करी जाए लेकिन उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति से बैंक भी फिर हार मान जाता है, बैंक भी फिर ढीला पड़ जाता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि बैंक थोड़ा सा जो है सुस्त पड़ जाता है ऐसे व्यक्ति के आगे। तो बैंक क्या करता है, ऑफर करता है सेटलमेंट के लिए, लेकिन ये याद रहे कि अगर अमाउंट कम हुआ तो सेटलमेंट के लिए बैंक तैयार होगा, अगर अमाउंट लाखों में रहा तो हो सकता है कि बैंक सेटलमेंट के लिए तैयार ना हो, लेकिन अल्टीमेटली बैंक किसी ना किसी तरह से सेटलमेंट के बारे में बात करने ही लगता है, मतलब बैंक जो है सेटलमेंट पे आ ही जाते हैं, मतलब कि बैंक्स जो है धीरे धीरे करके सेटलमेंट पे आ ही जाते हैं, क्योंकि बैंक भी ये नहीं चाहते हैं कि कस्टमर के साथ में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो, वो डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो इसलिए बैंक्स भी फिर जो है सेटलमेंट पे आ जाते हैं, सेटलमेंट के बारे में बात करने लगते हैं कि आप सेटलमेंट करा लीजिए, अगर आप पूरा अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे जितना हो सके आप उतना पैसा दे करके अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लीजिए, मतलब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट जो है आपसे जितना हो सके उतना आप करके और सेटलमेंट करा लीजिए, हम इसको जो है सेटल कर देंगे और आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे। तो बैंक शुरू शुरू में तो आपसे यही कोशिश करते हैं कि जितना भी क्रेडिट कार्ड का बकाया है वो आपसे पूरा का पूरा वसूल लिया जाए, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार नहीं हैं तो बैंक जो है वहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि आपको वार्निंग देंगे और मेंटली टॉर्चर भी करेंगे। तो कोई बहुत ऐसा टफ व्यक्ति होगा जो झेल पाएगा, अदरवाइज जो आम लोग होते हैं ना वो जल्दी से झेल नहीं पाते, किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगे अलग अलग तरह से परेशान किया जाए तो झेल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जितना जल्दी हो सके जैसे हो सके जो भी तरीका हो सेटलमेंट का वो जल्दी से जल्दी उसको सेटलमेंट करा करके और उसको साइड कर दिया जाए, मतलब कि मामला साफ कर दिया जाए, क्योंकि अगर इस मामले को लंबा खींचा जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह की टेंशन होती है, एक बर्डन होता है जो कि हमारे दिमाग पे होता है, हमारी सोच पे होता है, और वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए मैं खुद ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप कभी भी ऐसी हरकत ना करें कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करें, ये वाली हरकत कभी भी ना करें। तो जितना ज़्यादा ये मैटर खींचेगा, जितना लंबा ये मैटर होगा, उतनी ही प्रॉब्लम कस्टमर को होगी। तो मैं खुद भी यही रिक्वेस्ट करता हूं और ये सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी भी ना करें, ये करने की गलती ना करें। आप अगर क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं, तो उसका आप बिल्कुल टाइम पे ड्यू डेट से पहले पहले बिल पे कर दें। ऐसा कभी भी ना सोचें कि आप जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसका बिल जो है आप पे नहीं करेंगे। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, मेंटली जब आपको टॉर्चर किया जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आप पहले ही पेमेंट करके कभी भी
आप अपना ओवरड्यू ना रखें, मतलब कि बकाया ना रखें, क्रेडिट कार्ड का बिल जो है बिल्कुल भी बकाया ना रखें, क्योंकि उस पर बहुत भारी भरकम चार्जेस पड़ते हैं। जो लेट पेमेंट चार्ज होता है उसके साथ में इंटरेस्ट चार्ज जुड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो इसलिए आप ड्यू डेट से पहले पहले इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट कर दिया करें, ताकि आपको कभी ऐसी नौबत या ऐसी हालत ना देखने को मिले। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि बैंक फिर सेटलमेंट पे आ जाते हैं, जब आपको पूरी तरह से टॉर्चर कर लेते हैं तो सेटलमेंट पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेटलमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मना करेंगे, तो बैंक आपको परेशान करते रहेंगे और आपको अलग अलग जगहों से कॉल्स आएंगे, अलग अलग नंबर से कॉल आएंगे। हो सकता है कि आपको लीगल नोटिस भी भेजा जाए, और बहुत सारे केसेस में लीगल नोटिस भेजा भी जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो है सेटलमेंट कर लेना चाहिए है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सेटलमेंट कर लें। बल्कि आप शुरू में ही सेटलमेंट की बात करके, और जितना भी आपके पास पैसे हों, जितना आपसे हो सके उतना आप दे करके और सेटलमेंट कर लीजिए, और अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा लीजिए, NOC ले लीजिए, और फिर उसके बाद जो है अपना मामला साफ कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो आप डिफ़ॉल्टर बने रहेंगे, और डिफ़ॉल्टर बनने के बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। फिर आपको बहुत परेशानियाँ आएंगी, कहीं से लोन नहीं मिलेगा, कहीं से क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि क्रेडिट तो छोड़ दीजिए, क्रेडिट मीन्स कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वो मिल ही नहीं पाएगा। और बाद में आप जब सेटलमेंट भी कर लेते हैं तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलना और लोन मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले जो है बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, आपने सेटलमेंट किया है किसी तरह से, तो फिर बैंक आप पे, दूसरा बैंक हो कोई, वो कैसे भरोसा कर सकता है। आपने पहले ही ऐसी हरकत की हुई है कि आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया है, तो फिर दूसरा बैंक हो या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो आप पे कैसे भरोसा कर सकती है, या फिर बैंक कैसे आप पे भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए फिर बैंक कोई जो है आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बैंक आपको लोन नहीं देना चाहेगा, या फिर फाइनेंस कंपनीज जो हो गई वो भी आपको लोन नहीं देना चाहेंगी। तो ऐसे में बस एक ही तरीका बच जाता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को सुधारें, क्रेडिट हिस्ट्री अपनी सही करें। वो कैसे होगी, उसके लिए आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, और उसका इस्तेमाल आपको सालों तक करना पड़ेगा, तब जा करके जो आपके ऊपर एक डिफॉल्टर का धब्बा लगा हुआ है वो थोड़ा सा साफ़ होगा, पूरी तरह से साफ़ नहीं होगा। पूरी तरह से तो वो कभी भी नहीं साफ़ हो पाएगा, हमेशा आपके ऊपर वो एक तरह का डिफॉल्टर का ठप्पा होता है, वो लग जाता है तो बस लग जाता है, उसको साफ़ करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इसलिए सोच समझ करके अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, और बहुत ही होशियारी समझदारी के साथ अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें। हालांकि तो मेरे रिलेटिव के मामले में तो मैटर अलग था कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई खर्चा नहीं किया था अपने क्रेडिट कार्ड से, बल्कि उसके क्रेडिट कार्ड से एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हुआ था, मतलब किसी और ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था, हैक करके या फिर किस ट्रिक का इस्तेमाल करके उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया, ये तो अभी तक नहीं पता चला। तो इसलिए वो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करना चाहता, जब उसने ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है तो इसलिए वो पेमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन गलती उससे ये हुई कि उसको पता ही नहीं था बिल्कुल, 3 महीने तक तो उसको बिल्कुल भी इसके बारे में खबर नहीं थी कि उसके क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। वो बाद में जा करके उसको पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हुआ है, जब बैंक ने कॉल किया कि आप प्लीज़ अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दीजिए। तो बाद में वो सुन करके बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि मैंने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया और मैं इतना बिल कैसे पे करूँ। तो उसने बाद में जा करके फ्रॉड ट्रांजेक्शन की शिकायत भी की कि उसके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन अभी ये मामला पेंडिंग में चल रहा है। और भी कई जगहों पे शिकायत करी इसके बारे में, लेकिन अभी भी इस पे जांच पड़ताल जारी है। बैंक परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा जो है बैंक इस पे उतावला हो रहा है कि किसी तरह से जल्दी सेटलमेंट हो जाए। और बैंक ने बहुत सारी वार्निंग भी दी है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर FIR होगा, आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा, बहुत तरह की अलग अलग तरह की धमकियां भी दी हैं कि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। बट वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उसने जब ट्रांजेक्शन नहीं किया तो वो क्या करेगा, क्यों पेमेंट करेगा फालतू का। तो उसने भी कई जगहों पर शिकायत दर्ज करी, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस मामले में। तो बहरहाल दोस्तों, आपको तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक तो क्रेडिट कार्ड लें तो थोड़ा अपना क्रेडिट कार्ड भी संभाल करके रखें, उसकी केयर करें, और आप टाइम टू टाइम अपने क्रेडिट कार्ड को भी चेक करते रहें कि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है। और अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करना ना भूला करें आप, जब भी आपको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिलता है महीने में तो आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ज़रूर से चेक कर लिया करें
कि आप जो है चेक करें कि कहीं कोई चार्ज तो नहीं लिया गया आपसे। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर कभी कभी को करते हैं, मतलब रेयरली इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपको अपने क्रेडिट कार्ड को टेम्परेरली ब्लॉक्ड करके रखना चाहिए है, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होने का रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये मैं आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहूँगा, और आई होप कि आप अपना क्रेडिट कार्ड सही से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपके क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।